हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो था हमारे पास श्वेत फलन के विलोपन द्वारा आंशिक अवकल समीकरण की व्युत्पत्ति करना। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने आंशिक अवकल समीकरण की व्युत्पत्ति ही पढ़ी थी, लेकिन उसमें था श्वेत अक्षरों के विलोपन द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या है, श्वेत फलन के विलोपन द्वारा आंशिक अवकल समीकरण की व्युत्पत्ति करना। उसमें था अचर, अचर यानी कांस्टेंट, और इसमें क्या था हमारे पास श्वेत फलन यानी कि फंक्शन। यहाँ पर डेरिवेशन ही होगा जैसे पहले हुआ था वैसे ही यहाँ पर, लेकिन अब फंक्शन की बात की जाएगी तो कैसे हम करेंगे इसका डेरिवेशन वो हमको यहाँ समझना है। तो स्टार्ट करते हैं कि माना कि यू तथा वी एक्स वाई जेड के फलन है। ठीक है, ये दो फलन है यहां पर, यू वी फलन है और यू सी किसे फंक्शन है एक्स वाई जेड के, जो निम्न संबंध द्वारा संबंधित है। ठीक है, यानी कि फाई ऑफ यू एंड वी इक्वल टू जीरो, ये एक फंक्शन हो गया समीकरण नंबर एक मान ली। फाई स्वेच फलन है, जेड को स्वतंत्र चरों एक्स तथा वाई का आश्रित चर लेकर एक का x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल यू भाई फाई का होगा यू के सापेक्ष और एक्स के सापेक्ष अपन करेंगे जेड को स्वतंत्र चर एक्स वाई का आश्रित चर लेकर। ठीक है, तो यहां पर हम फंक्शन क्या होगा, जब डेल फाई अपॉन डेल यू तो रहेगा बाहर, अंदर जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स यू का सापेक्ष फिर एक्स का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, प्लस यू का वाई के सापेक्ष फिर वाई का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, प्लस यू का जेड के सापेक्ष और जेड का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्स के सापेक्ष किसका, यू का, अब होगा वी का, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ऐसा ना हुआ होना तो एक्स के सापेक्ष ही है यहां पर। ठीक है, होना तो एक्स के सापेक्ष है, पहले हम कर रहे थे यू का, U का हुआ वाई सापेक्ष, वाई का हुआ एक्स सापेक्ष, हम करें V का, प्लस डेल V अपॉन डेल Y इंटू डेल Y अपॉन डेल X प्लस डेल V अपॉन डेल Z इंटू डेल Z अपॉन डेल X बराबर जी। ठीक है, और यहाँ पर डेल Y अपॉन डेल U इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर जीरो। कैसे यहां पर देखो आप, डेल फाई अपॉन डेल यू तो ऐसे कैसे रहा, डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी वन। ठीक है, यहाँ का डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए आप जो टर्म है वो ये तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी ऐसे कैसे आ जाएगी, लेकिन ये हो जाएगा पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी पी मान लेंगे। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई जो है टर्म वो एक तरह नेगेटिव हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पर अचर मान रहे हैं ना वाई को, अगर एक्स सापेक्ष करोगे तो वाई का तो क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा, डेल अपॉन डेल का मान क्या हो जाएगा जीरो, वाई तो हो जाएगा अचर तो इसका हो जाएगा मान जीरो, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी,
डेल यू अपॉन डेल एक्स ऐसे कैसे, इसका हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा फिर वापस से अचर, ठीक है, और इसका हो जाएगा पास फिर से पी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से हो जाएगी पी, और डेल यू अपॉन डेल जेड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने किया था इसके सापेक्ष, हम करेंगे वाई के सापेक्ष, इसी प्रकार वाई के सापेक्ष समीकरण नंबर एक का अवकलन करने पर ठीक है तो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल यू और जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस पी जे क्या जाएगा क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस सेम ऐसा जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल सॉरी पी नहीं यहाँ आएगा क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर जीरो ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा तीन राइट, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपरली काम हो गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं सारणी विधि के द्वारा, इसको लिखते हैं तो देखिए ध्यान से, समीकरण नंबर दो व तीन से समीकरण नंबर दो व तीन से सारणिक विधि से डेल फाई अपॉन डेल यू व डेल फाई अपॉन डेल वी का विलोपन करने पर ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल यू और डेल फाई अपॉन डेल यू वी का विलोपन करते हैं हम, तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए गुणांकों की तुलना करेंगे ठीक है, गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड ऐसे यहाँ पे जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपॉन डेल वाई सॉरी डेल जेड ठीक है इक्वल टू जीरो। कैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हटा दिया डेली फाइव अपॉन डेली का, तो खाली ये जो टर्म आ गई वो लिख दी, इसको हटा दिया ये जो टर्म आ गई वो लिख दी ठीक है, ऐसे ऊपर वाले में इसको हटा दिया ये लिख दिया पूरा और इसको लिख दिया ठीक है, इसके गुणांकों को लिख दिया हमने, तो यहाँ पर जो टर्म बन रही है वो क्या हो रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे करोगे ठीक है, माइनस का टर्म आएगा तो माइनस लगाकर बराबर में जीरो करने पर या फिर इसको उधर ले जाते तो प्लस का हो जाएगा या तो आप यहाँ माइनस लगा दो, जैसे हम सारणी सॉल्व करते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू पी सॉरी ऊपर वाला डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर में जीरो। अब आप इसको यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल वी अपॉन यहाँ पर क्या रहेगा डेल जेड और इक्वल टू चला जाएगा टर्म माइनस टर्म होती है प्लस क्यू डेल यू अपॉन डेल जेड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं इन प्रकार से, जिसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, पी स्मॉल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू एंड बराबर में आर
सिग्मा नंबर कितने हुए, 4, और P बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस के डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू एंड वी अपॉन डेल वाई एंड जेड। क्लियर, P की वैल्यू हम ले सकते हैं इनको, ये हो जाएगा P इंटू स्मॉल P प्लस Q इंटू स्मॉल Q बराबर R पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस के डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि U और V का फंक्शन और नीचे Y और Z का फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही Q हो जाएगा वैसे ही R हो जाएगा, सबको आप मल्टीप्लाई करोगे लिखोगे तो टर्म इसी प्रकार से बन जाएगी। दिखाते हैं आपको Q का मान क्या हो जाएगा, R का मान क्या हो जाएगा। Q का मान हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस के डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल जेड यू वी और जेड एक्स। ठीक है, और R के लिए एक्स वाई हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि ऊपर तो क्या जाएगा यू वी ये जाएगा एक्स वाई, ये टर्म तो नहीं है नीचे वाली चेंज हो जाएगी। कैसे, फर्स्ट टर्म में तो क्या था वाई जेड, ये देखो ना एक्स वाई और जेड लेके चलो, फर्स्ट में तो क्या था चाहे वाई जेड ले लो, तो पहले में वाई जेड फिर जेड एक्स और फिर एक्स वाई आर वाले में, ये पी ये क्यू और ये आर आप ऐसे आ सकते हो, देखो डेल एक्स वाई ये एक्स और वाई जेड और एक्स, ठीक है फिर एक्स और जेड एक्स वाई वाई एक्स ऐसे चलेगा टर्म, तो पी की वाली वैल्यू रखोगे और उसमें रखोगे तो प्रॉपर वैल्यू यही आएगी सॉल्व करने पर। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं समीकरण नंबर 4 में लिख दी, उससे हम क्या बोलते हैं समीकरण नंबर 4 असमघाती, असमघाती यानी कि नॉन होमोजीनियस रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, अवकल समीकरण है कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं प्रथम कोटि का रैखिक कल आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स और क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, इस पर चीज का हमें ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखोगे तो प्रॉपरली काम हमारे पास हो पाएगा। ठीक है, अभी में क्या है कि रेखीय अवकल समीकरण है और लेकिन अज्ञात फलन क्या है जेड, उसमें अरैखिक है। ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर तो क्या है एक्स और वाई और जेड के फंक्शन है, पी क्यू और आर आपको देख सकते हैं पी क्यू भी एक्स वाई फंक्शन है और आर भी एक्स वाई का या फिर जेड एक्स का, और जो पी है वो भी किसका फंक्शन है वाई और जेड का फंक्शन है, तो यानी पी क्यू आर तीनों मिलाकर किसके फंक्शन हो जाएंगे एक्स वाई और जेड के, एक्स वाई जेड के फंक्शन है। ठीक है, इस प्रकार के समीकरणों के क्रमबद्ध सिद्धांत किसने दिए थे, लैग्रांज ने दिए थे, तो इनको फिर हम लैग्रांज रैखिक समीकरण बुलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लैग्रांज रैखिक समीकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रतिपादन किया था तो फर्स्ट टाइम इनका जो यूज किया था इस समीकरण का, किसका पी कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू में आर, ये जो समीकरण है ये क्या कहलाती है लैग्रांज रैखिक समीकरण कहलाती है। यहाँ पर पी क्यू आर के मान ये होते हैं, ठीक है आप पी के मान यहाँ रखो स्मॉल पी रखो, ठीक है क्यू रखो आर रखो तो वैल्यू क्या आ जाएगी बराबर में आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं लैग्रांज लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं,
ये टर्म है हमारे पास प्रॉपरली इस प्रकार सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो है इसके बेस पे क्वेश्चंस करने होंगे, क्वेश्चन हम करा देंगे कि लैग्रांज का जो टॉपिक है ना वो आपके सिलेबस में है, लैग्रांज का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है, तो सिलेबस में है तो इसका मतलब हमको करना होगा। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर करेंगे थर्ड, और फिर हमारा जो है ये जो यूनिट फिफ्थ है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ऐसी बात दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो टर्म हम कर रहे हैं पार्शियल कर रहे हैं, तो इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है अपनी दूसरी वाली बुक से, यानी कि अवकल समीकरण वाली बुक से। ठीक है, मैच नहीं करना है कि वो और ये चीज़ सेम सेम हो जाएगी, आपको उसका और इसका ध्यान में रखते हुए कि टर्म कैसे यूज करनी है वो मेन बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यू है, क्यू अपने ले लिया। ठीक है, बताएंगे क्यू कैसे आया, तो क्यू की जो टर्म है वो डेल यू अपॉन डेल जेड एवर यू है जेड के साथ, तो फिर वी आएगा एक्स के साथ, फिर यू आएगा एक्स के साथ, तो वी आएगा जेड के साथ, इस तरह की टर्म बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।